नमस्कार फ्रेंड, आज बात करेंगे 2009 मॉडल गाड़ी के एलपीजी के बारे में। और इसी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है फ्रेंड, और मेरा नाम राजन कुमार है। आइए फ्रेंड चलते हैं, इसके एलपीजी के बारे में बताता हूँ कि क्या माइलेज देती है, क्या इसका सेटिंग है, कंपनी की सेटिंग है, और आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे सेटिंग किया गया। फ्रेंड जैसा कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि एलपीजी की किस तरह की सेटिंग होती है, और लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं, किस गाड़ी में लगवा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फ्रेंड चलिए आगे फ्रेंड वीडियो में आगे बात करते हैं। बात करते हैं इसके इंजन में, दिखाता हूँ किस तरह एलपीजी सेटिंग इसका इंजन है। आइए आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ फ्रेंड। ये फ्रेंड आप देख रहे हैं जो कि ये मेन इंजन है एलपीजी का, यहीं से इंजन में ही ये एलपीजी जाता है फ्रेंड, जो कि यहाँ से एयर फिल्टर से भी कनेक्ट है, और यहीं से इंजन में यहाँ से कनेक्ट होकर इंजन में एलपीजी जाता है फ्रेंड। और यहाँ इसका वायर दिया गया है फ्रेंड, और इसके माध्यम से यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, जो कि यहाँ से फिल्टर अंदर, इसमें आप देखेंगे तो फिल्टर जाली वगैरह भी होगा, खोल के देखना पड़ेगा, बट मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कनेक्ट होकर, यहाँ से फिल्टर होकर गैस आता है और यहाँ से इंजन अंदर जाता है। पीछे इसका स्टोरेज टंकी दिखाता हूँ कि कितना बड़ा टंकी है और कितना इसमें स्पेस आता है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। बात करते हैं इसकी टंकी के बारे में, जो कि यहाँ पर इसका टंकी लगा हुआ है। बैक में आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर टंकी लगी हुई है, और इसमें आपको 8 किलो अगर आप गैस भराएंगे, 8 से 9 किलो स्टोरेज इसमें आ सकता है टंकी में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा फ्रेंड। 8 किलो ही इसमें टंकी में गैस आप डला सकते हैं। ये देखिए आप, टंकी पूरा है फ्रेंड, ये कंपनी फिटेड टंकी है। और मैं फ्रेंड आपको चलिए दिखाता हूँ कि गैस को कहाँ से डालते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसका आप एलपीजी डालने का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप एलपीजी डलवा सकते हैं, जो कि कंपनी फिटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे मार्के लगे हुए हैं, कंपनी फिटेड है, और यहाँ पर यहाँ से आप एलपीजी भी हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए आगे बात करते हैं ये कितना माइलेज देती है और कितना इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, सब कुछ मैं आइए आपको डिटेल से बताता हूँ। फ्रेंड इसके माइलेज के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि एलपीजी पे ये कितना माइलेज देती है। आपको इस पर एलपीजी पे 1 किलोमीटर में आपको 25 का एवरेज देगी विदाउट एसी। अगर आप एसी चलाते हैं तो हो सकता है फ्रेंड कि आपको 21-20 का माइलेज ये निकाल के देगी, जो कि 2009 मॉडल गाड़ी है, और इस पे आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एसी पे चलाएंगे तो गाड़ी दब के चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। कूलिंग भी बराबर होगी और माइलेज भी अच्छा निकलेगा, और इस गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। मगर ये है, बट पेट्रोल पे थोड़ा सा पावर ज़्यादा जनरेट करती है, बट एलपीजी पे हल्का जनरेट करेगी पावर, थोड़ा सा 19-20 का फर्क आएगा, और कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। और आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि एलपीजी किस किस गाड़ी में सेटिंग करा सकते हैं। जैसे कि आप इस गाड़ी में सेटिंग करा सकते हैं, जो कि आपका कोई भी गाड़ी पेट्रोल हो, आप उसमें एलपीजी सेटिंग करा सकते हैं, या कंपनी से सेटिंग करा सकते हैं, और या बाहर से सेटिंग करा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।